तर्पणं व्रंगणं फल्गु गुरु विष्टं भी शीतलम्। चरक संहिता में आचार्य चरक द्वारा बताया गया ये श्लोक हमें अंजीर के गुणों के बारे में बताता है। अंजीर एक ऐसा फल है जिसे फल और ड्राई फ्रूट दोनों रूपों में ही खाया जाता है। अंजीर जिसे कॉमन फिग के नाम से भी जाना जाता है, अगर इसे गुणों की खान कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अंजीर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसे क्यों आपको अपनी डाइट में डेफिनेटली शामिल करना चाहिए, यह आपको कौन कौन से फायदे देता है और किन किन बीमारियों से आपको बचाता है, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है अंजीर तर्पण करता है, वृंगण करता है, यानी कि हमारे शरीर का पोषण करता है। इसके साथ ही ये गुरु होता है, विष्टम भी होता है, यानी कि अंजीर पचने में हल्का भारी होता है। शीतलम का मतलब होता है अंजीर दाह का प्रशमन करता है, शरीर के अंदर की गर्मी को शांत करने का काम भी करता है। अंजीर का फल उदुम्बर के समान होता है और पकने पर इसका जो फल होता है वो माला में गुथे हुए रूप में बाजारों में मिलता है। अंजीर की सबसे बड़ी विशेषता, अक्सर ही आपने देखा होगा जब भी आपको बुखार होता है, फीवर होता है, जब बुखार ठीक हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो शरीर होता है वो काफी कमजोर हो जाता है। इसी कमजोरी को दूर करने का काम करता है अंजीर। इसके साथ ही बीमारी के बाद अक्सर ही शरीर कमजोर तो होता ही है, लेकिन हमारा जो पाचन क्रिया होती है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। तो अंजीर का सेवन अगर आप नियमित रूप से करें एक सही मात्रा में, तो ये आपकी पाचन क्रिया को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, उसके साथ ही आपके शरीर को ताकत प्रदान करता है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अंजीर को किस तरह से लिया जाना और कितना लिया जाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो वीडियो में आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि अंजीर को कितनी मात्रा में और किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए और किन किन बीमारियों में ये हमें अत्यधिक फायदा पहुंचाता है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें। मैं हूं वैद्य सोनल और आप देख रहे हैं शतायु आयुर्वेदा। अंजीर में क्योंकि मधुर और शीत गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में वात और पित्त दोष को शांत करता है। कुछ लोग अक्सर ही ये शिकायत करते हैं कि उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है। पेट ठीक साफ नहीं होने की वजह से उन्हें भूख खुलकर नहीं लगती है, जिसकी वजह से शरीर को जो पोषण मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं और धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाता है। उन लोगों के लिए अंजीर एक वरदान से कम नहीं होता। सही मात्रा में अगर आप अंजीर का सेवन करते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से खाया हुआ ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे भूख खुलकर लगती है और गैस, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। अब आपको करना क्या है, तो देखिए रात में आप 2 से 3 अंजीर दूध में भिगोकर रख दें, सुबह उठकर इन अंजीर को चबा चबा कर खाएं। इससे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या ये दूर करता है, शरीर को पोषण देता है और इसके साथ ही आप एनर्जेटिक फील करते हैं, शरीर की जो कमजोरी है, जो थकान है वो दूर होती है। अक्सर ही पित्त के प्रकोपित होने की वजह से पित्त के बढ़ जाने पर बालों में ड्राइनेस आ जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, ये समस्या भी दूर करता है अंजीर, क्योंकि अंजीर में मधुर रस होता है और उसकी तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से ये पित्तज विकारों को दूर करने में काफी मदद करता है। तो ये आपके बालों की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। शरीर को तो ये पोषण देता ही है, साथ ही आपके बालों को भी पोषण प्रदान करता है, जिससे बालों की समस्या दूर होती है। अंजीर का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है, जब खांसी होती है तो गले में एक ड्राइनेस आ जाती है, उस ड्राइनेस को दूर करने का काम करता है अंजीर। इसके साथ ही कफ को निकालने का भी काम करता है अंजीर। तो खांसी में, सर्दी जुखाम में अंजीर का सेवन आपके लिए काफी फायदेमंद हो। अब क्योंकि अंजीर में डायूरेटिक गुण पाए जाते हैं, तो जिन लोगों को यूटीआई बार बार होता है या फिर स्टोन बनने की समस्या होती है, उन लोगों को अंजीर का नियमित रूप से सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अंजीर इन समस्याओं को दूर करने में आपकी काफी मदद करता है। बढ़ती उम्र के साथ अंजीर का सेवन करना आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, वीडियो में हम आगे जानेंगे। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव आयुर्वेदा और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए। बढ़ती उम्र के साथ अक्सर ही पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है,
शरीर में कमजोरी बढ़ने लगती है और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो इन सभी समस्याओं का रामबाण उपाय है अंजीर। अपने तर्पण और व्रंघण गुण के कारण अंजीर आपके शरीर को पोषित करता है, वो सभी पोषण प्रदान करता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। तो शरीर की कमजोरी को दूर करने का काम करता है अंजीर में, क्योंकि कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और क्योंकि अंजीर में फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करता है और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी समस्या को दूर करता है। तो उम्र के बढ़ने के साथ ही साथ रोजाना अगर एक अंजीर खाया जाए तो इन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। लेकिन देखिए, अब लेना कितना है, क्योंकि आयुर्वेद में जैसे आचार्य चरक ने बताया, ये विष्टम्बी होता है और गुरु होता है, यानी पचने में हल्का भारी होता है। तो इसके लिए आपको रोजाना एक अंजीर खाना सफिशियंट है। एक अंजीर रोज खाएं, दूध में या पानी में भिगाकर आप इसका सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो आपको अत्यधिक इसका फायदा होगा, इसके सभी पोषक तत्व प्राप्त होंगे। क्योंकि अंजीर में एक गुण होता है शोथर, यानी कि इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने का काम करता है, वात का शमन करता है, यानी कि दर्द को दूर करता है। इसीलिए ये जितने भी जोड़ों के दर्द की शिकायत बढ़ती उम्र के साथ होती है, उसमें भी ये आपकी काफी मदद करता है ऐसी समस्याओं को दूर करने में। इसके अलावा अंजीर खून की कमी को दूर करने में भी मदद करता है। इसमें आयरन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी होने के बाद अक्सर ही महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, शारीरिक कमजोरी हो जाती है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो उस समय पे आप नियमित रूप से अंजीर का सेवन जरूर करें तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो। इसके अलावा देखिए, जो अंजीर होता है ये शुक्र धातु की वृद्धि करता है, पोटेशियम इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है। इसमें विटामिन ई, विटामिन ए पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपके स्किन को हेल्दी बनाता है, कि आपके बालों की हेल्थ को ये काफी बेहतर कर देता है। इसके साथ ही अंजीर एक लिवर टॉनिक की तरह भी काम करता है, आपके लिवर को हेल्दी बनाने का काम करता है। इसमें फाइबर होता है, विटामिन B6 होता है, प्रोटीन होता है। तो इतने सारे गुणों की भरमार जिस एक चीज में पाई जाए तो हमें, हमारे पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए उसे नहीं खाने का। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको अंजीर के जितने भी गुण बताए हैं उन्हें सुनकर समझकर आप इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे। बस ध्यान रहे, आपको रोज एक अंजीर खाना है और बीच बीच में गैप लेते रहना है। आयुर्वेद में कहा गया है 15 दिन आप एक चीज का सेवन करें, फिर एक हफ्ते का गैप लें, फिर दोबारा आप उस चीज को शुरू करें, तो आप उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी अंजीर के बारे में बताया है आपको बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाला है। आप इसको जरूर शामिल करेंगे अपनी डाइट में और आपको क्या क्या फायदा मिला मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए आयुर्वेदा और हेल्थ से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।